जहां भी जा रहे हैं, जिस बस्ती में जा रहे हैं, हमको ऐसा ही रास्ता दिखाई पड़ रहा है। और यहां से एमएलए की अगर हम लोग बात करते हैं तो बीजेपी के वर्तमान विधायक कलेम दबोज इस बार फिर कैंडिडेट चुनावी मैदान में है। बड़े बड़े वादे फिर किए जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक के लिए जो आने जाने का रास्ता है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। ऐसे आप जहां तक दूर तक देखते जाएंगे, दूर तक देखते जाएंगे, आपको ऐसा ही मिलेगा। इवन पेसिंग का कितना बुरा हाल है कि आप समझेंगे कि नाला है कि नाले में सड़क है, वो नाले का पानी सड़क के ऊपर बह रहा है, लोगों को पैदल चलना मुश्किल है, दूभर हो चुका पैदल चलना, छोटे छोटे बच्चे हैं जा रहे होते हैं, बड़ी तकलीफें होती हैं, बीमारियां होती हैं, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है। 32 रिमगोंग का ये पेमा खांडू साहब और यहाँ के लोकल एमएलए ने मिलकर अच्छा डेवलपमेंट कर दिया है। अभी चुनाव है, चुनाव जो सरगर्मियां हैं बहुत तेजी से चल रही है, लेकिन उनके बीच में अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करेंगे, ये डेवलपमेंट आपको जो साफ साफ दिख रहा है यही डेवलपमेंट है। इस रास्ते को पहले बताया जाता है लोगों के अनुसार में कि तमियो तागा जो यहाँ के फॉर्मर एमएलए थे उन्होंने डेवलपमेंट करवाया, उन्होंने सड़क को बनवाया था। उसके बाद देख रेख करने के लिए कई बार एमएलए चेंज हुए, बहुत सारे लोग चेंज हुए, साल बदलते गए, दिन बदलते गए, इवन विधायक भी बदलते गए, लेकिन ये हाल अभी नहीं बदला। नमस्कार, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आकाश शुक्ला, मैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के सियांग डिस्ट्रिक्ट का रुमगोंग क्षेत्र में आया हूँ। रुमगोंग दरअसल यहाँ से 32 विधानसभा क्षेत्र है और विधानसभा क्षेत्र को हमने करीब करीब पूरा कवर कर दिया। और पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर में हम जो आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं, ये दरअसल आप इसमें सोच रहे होंगे कि तालाब है कि तालाब में सड़क है, ऐसा ही देखने को मिला है। हम चाहे बात करें आपको रुमगोंग का जो ये इकलौता जाने वाला रास्ता है उधर टाउन का, या फिर हम लोग बात करें आपको पेसिंग का या आपको काइंग का, जहाँ भी जा रहे हैं, जिस बस्ती में जा रहे हैं, हमको ऐसा ही रास्ता दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ से एमएलए की अगर हम लोग बात करते हैं तो बीजेपी के वर्तमान विधायक कलेम दबोज इस बार फिर कैंडिडेट हैं, चुनावी मैदान में हैं, बड़े बड़े वादे फिर किए जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक के लिए जो आने जाने का रास्ता है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। आलो से 20 किलोमीटर का रास्ता मानो आपको 1.5 घंटे से 2 घंटे में सफर पूरा तय करना पड़ रहा है, वो भी गाड़ी अगर अच्छी हुई तो। खराब गाड़ी से आप जा भी नहीं सकेंगे। आप आगे चलते रहिए, दिखाते रहिए ऐसे कि क्या सिचुएशन में बना रखा और क्या डेवलपमेंट किया गया है। लोगों का इतना तक कहना है कि यहाँ पे कभी भी चुनाव प्रचार या कोई प्रचार के दौरान यहाँ के मंत्री, मुख्यमंत्री या अदर लोग कभी प्रचार करने ही नहीं आते, मानो उन्होंने भूल हो गई उनसे, या फिर वो भूल गए होंगे कि रुमगोंग कोई विधानसभा क्षेत्र है जिसमें कि कुछ आदमी भी रहते हैं, उनको भी डेवलपमेंट का कुछ जरूरत है। तो डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ है तो खाना पूर्ति है जो आपको इस वीडियो में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे आप जहाँ तक दूर तक देखते जाएंगे, दूर तक देखते जाएंगे, आपको ऐसा ही मिलेगा। इवन पेसिंग का तो इतना बुरा हाल है कि आप समझेंगे कि नाला है कि नाले में सड़क है, वो नाले का पानी सड़क के ऊपर बह रहा है, लोगों को पैदल चलना मुश्किल है, दूभर हो चुका पैदल चलना, छोटे छोटे बच्चे हैं जा रहे होते हैं, बड़ी तकलीफें होती हैं, बीमारियां होती हैं, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है। ये डेवलपमेंट तलिम तबो का है, ये डेवलपमेंट माननीय मुख्यमंत्री साहब के डिपार्टमेंट का है, इसको कौन ठीक करेगा ये सबसे बड़ा चैलेंज हो रहा है। इसको ठीक कौन करेगा, क्योंकि अभी तक लगातार डॉक्यूमेंट में बहुत सारी चीज़ों में अभी देखने को मिलता रहता है कि ये ठीक किया जाएगा या इसका जो विकास है उसको किया जाएगा। चुनाव प्रचार करने भी नहीं आ रहे। मैं तो माननीय मंत्री, माननीय केंद्र के मंत्रियों से भी अपील करूंगा कि कभी आप लोग भी इस रास्ते से एक बार रुमगोंग में आप जाके वोट मांग लीजिए। जनता आपसे बहुत खुश है, वो आपके डेवलपमेंट को आपको देखना चाहती है, आपको बताना चाहती है, आपके दुख तकलीफ को जो पब्लिक जो है उसको बताना महसूस करना चाहती है कि आप जिस तकलीफ से जा रहे हैं, ये तकलीफ से उनको डेली जाना पड़ता है, वो किस प्रकार से अपना जीवन को सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे कैसे जगह से सफर करके जा रहे हैं, आप बताने के लिए आप इसको देख कर अनुमान लगा सकते हैं कि बेसिकली रुमगोंग का डेवलपमेंट है। और इसी डेवलपमेंट को यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं तलिम दबो ने किया हुआ है। यहाँ का जो आपको हम दिखा रहे हैं लगातार ऐसा सिचुएशन है, यहाँ पर डेवलपमेंट भी इस तरीके से है कि उसको हम लोग अपने शब्दों में नहीं बयां कर पा रहे। आप ऐसे रास्ते से होकर जाएंगे आप क्या महसूस करेंगे, आपको भी तो दुख होगा, आपको भी तो बुरा लगता होगा ना। कल को इस रास्ते से कुछ एक्सीडेंट होता है, कुछ कोई दिक्कत परेशानी, उसका कौन जिम्मेदार होगा? हम जिम्मेदार होंगे, आप जिम्मेदार होंगे या कोई और जिम्मेदार होगा? तो ये बेसिकली यही डेवलपमेंट है रुमगोंग का, 32 रुमगोंग का ये पेमा खांडू साहब और यहाँ के लोकल एमएलए ने मिलकर अच्छा डेवलपमेंट कर दिया है। अभी चुनाव है, चुनावी जो सरगर्मियां हैं बहुत तेजी से चल रही है, लेकिन उनके बीच में अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ये डेवलपमेंट आपको जो साफ साफ दिख रहा है यही डेवलपमेंट है। तो हम लोग जो डेवलपमेंट की आपको बात कर रहे हैं कि रुमगोंग का ये डेवलपमेंट है, और आप इसको देखो जरा, कहीं भी आप जाओगे अगर रास्ते, पूरे रास्ते का आप रिपोर्टिंग करोगे तो पूरे रास्ते ऐसे खराब, कहीं ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा जहां कुछ ठीक हो। आप आगे आके एक बार ऐसे दिखाते रहो रास्ते का क्या सिचुएशन है, इसको देख के दया आ रही है और शर्म भी आ रही है, साथ साथ में उन लोगों के ऊपर में, प्रशासन के ऊपर, उन लोगों के ऊपर, सिस्टम के उन लोगों के ऊपर में जो करप्शन कर करके अपना जेब भर रहे हैं, लेकिन पब्लिक को अभी भी उसी रास्ते पर छोड़ दिया।
इस रास्ते को पहले बताया जाता है लोगों के अनुसार में कि तमियो तागा जो यहाँ के फॉर्मर MLA थे उन्होंने डेवलपमेंट करवाया था, उन्होंने सड़क को बनवाया था। उसके बाद देख रेख करने के लिए कई बार MLA चेंज हुए, बहुत सारे लोग चेंज हुए, साल बदलते गए, दिन बदलते गए, इवन विधायक भी बदलते गए, लेकिन ये हाल अभी नहीं बदला है। क्यों नहीं बदला? क्योंकि करप्शन तो बदला ही नहीं, करप्शन करने का तरीका नहीं बदला, जो भी आ रहा उसी करप्शन में लिप्त हो जा रहा है। और मैं साथ साथ प्रशासन के लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी इस रास्ते आके आप इसको देखिए, महसूस कीजिए। ईटानगर में जो बड़े बड़े ऑफिसर लोग बैठते हैं, बड़े बड़े लोग बैठते हैं, बिजनेसमैन, उन लोग से भी अपील करूंगा, आप लोग भी आके देखो रुमगोंग जो है क्या हाल में जी रहा है, वहां के लोग किस सिचुएशन में जी रहे हैं। आप पेसिंग का हाल देख के आपको शर्म आएगा कि कहां से लोगों को अभी अरुणाचल प्रदेश में ऐसे लाके कर दिया कि जहां का वातावरण इतना स्वच्छ हो, इतना शुद्ध हो, वहां पे लोगों को इतना तरह तरह का बीमारियों का सामना करने को मजबूर कर दिया गया है। क्योंकि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जो बीमारियां होती है गंदे, उनसे सबसे होती है। नाले का पानी अगर किसी के घर में पहुंचेगा तो क्या होगा उसको? आप हवा शुद्ध ले सकते हैं, लेकिन जो जीवाणु कीटाणु है वो आपको कैसे शुद्ध कर देंगे? वो तो बीमारी करेंगे ना। तो बेसिकली ये डेवलपमेंट है आपको रुमगोंग का।